आज लंबे अरसे के बाद कोरोना संकट के बाद बैठक कर रही है। केंद्रीय समिति की इस बैठक में राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये लंबे अरसे के बाद बैठक हो रही है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पार्टी अपनी आगे की रणनीति और राज्य के राजनीतिक हालात पर गंभीरता से मंथन करेगी। केंद्रीय समिति के बैठक में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हैं। ऐसे में जो पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव में, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी और आने वाले दिनों में अपने संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा करेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पार्टी अभी झारखंड में केवल एक सांसद और दो विधायकों वाली पार्टी है, लेकिन राज्य में राजनीतिक जनाधार काफ़ी बड़ा होने के कारण ये कहा जा सकता है कि आज तो आने वाले दिनों में अत्यधिक भूमिका अपना सकती है, अत्यधिक भूमिका यहाँ पर निभा सकती है और ऐसे में एक बार फिर एनडीए में आजू से शामिल होने के बाद से आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में हेमंत सरकार के विरुद्ध हो सकता है कि संयुक्त अभियान भी संघर्ष करके छेड़ा जाए और ऐसे में आज होने वाली बैठक काफ़ी भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है इस पर निगाहें बनी हुई रहेंगी। टूटती है आप जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।